Assalamualaikum जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। भाई, जब से एशिया कप 2022 खत्म हुआ है उसके बाद से हमें धड़ाधड़ इतनी सारी वीडियोस देखने को मिल रही हैं। उसमें बेसिकली इंडिया से जो है ना रोस्टिंग वीडियोस बनाई जा रही हैं, जो कि फनी वीडियोस भी हैं पाकिस्तान पब्लिक के रिएक्शन के ऊपर और समटाइम्स फील्डिंग के ऊपर, मतलब बहुत कुछ आज हमें देखने को मिल रहा है। तो मैं ना चाहती हुए भी ना क्रिकेट के ऊपर वीडियोस बना रही हूँ, बिकॉज इसमें हमें डिफरेंट एक्सप्रेशंस लोगों के देखने को मिलते हैं, जो कि हमारे सैड मूड को जो है ना हैप्पी कर देते हैं। वेल, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज के वीडियो में हम देखेंगे पाकिस्तानी गर्ल्स जो है ना वो क्राइम, ठीक है। तो वैसे मैं इंग्लिश बड़ी मजे की बोलती हूँ, पाकिस्तानी गर्ल्स है ना क्राइम। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से देख सकेंगे। मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर दो ताकि सारे वीडियोस आप लोगों को मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। श्रीलंका वालों ने कमी छोड़ दी हो तो मैं भी सजा दूं। है श्रीलंका की टीम। जी हाँ, और पाकिस्तान की बॉलिंग की अगर बात की जाए तो नसीम शाह ने 4 खिलाड़ी आउट किए हैं, मोहम्मद हसनैन ने 4, हारिस रऊफ ने 4, शादाब खान ने 4, इफ्तिखार अहमद ने 3 और मोहम्मद नवाज ने 1 खिलाड़ी आउट किया। कल जब से पाकिस्तान हारा है मुझे बहुत मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा सुकून मिल रहा है। आई लव यू मोदी जी, आई लव यू मोदी जी, आई लव यू, आई लव यू मोदी जी। पाकिस्तानी हो आगे सुकून। अरे आप अपना काम करो ना भाई। पाकिस्तानी हमेशा बड़बोलेपन के शिकार रहे। इंशाल्लाह ताला जैसे 1965 के जंग में हमने उनको शिकस्त देकर हमने डिफेंड किया था, ऐसे ही आज हमने डिफेंड किया। क्रिकेट में हम इस चीजों को नहीं लाना चाहिए, आपको नहीं लगता? इन पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है भारत को एक मैच में हरा दिया तो हमने पूरी जंग जीत ली है, इनके पैर जमीन पे नहीं गिरते। ये दुनिया बौखला गई है। इतने बड़बोले बोल बोलने लग जाते हैं जिसकी कोई हद ही नहीं। हमारा जो पहला मैच जो हम हारे हैं ना, वो इस वजह से हारे हैं क्योंकि उन्होंने हमें धमकी दी हुई थी कि हमने पानी छोड़ देना है। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। पर हमारी आवाम इतनी ज्यादा है जो शीली है कि हमने वाइपर से पानी वापस भेज देना था उनको, कोई ऐसी टेंशन नहीं थी। बाकी है कि पाकिस्तान भाई, तुमने मैच जीता, कोई जंग नहीं जीती। सही बात है। और मैच की भी खुमारी निकाल दी श्रीलंका ने। और भाई आ गया, और श्रीलंका ने जो खुमारी निकाली इसके बाद पाकिस्तानी गर्ल्स का क्या रिएक्शन है? क्योंकि हम हार गए। इस बिचारी का तो ऐसा लगता है जैसे इसकी पूरी दुनिया ही तबाह हो गई। अरे तो लग गए। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। और ये पाकिस्तान की फेमस टिकटॉकर है और इसके ये हाल है बताओ। मैम क्या था इसमें, क्या इतना इन्हें कहा, कोई ऐसा लग रहा था कि ये ऐसे लग रहा है जैसे किसी बच्चे के साथ खेल रहे हैं? यकीन नहीं हो रहा था, मतलब बीच में फील्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं थी, उनको इतना स्कोर नहीं बनाने देना चाहिए था। और दुख बहुत हो रहा है, अभी एक दो दिन तक लग रहा है कि घर से बाहर निकलना, किसी से बात करना बहुत मुश्किल होगा। तो किसका आपको लगा, किस किस पे आपको आज था? आप तो कह रही थी बाबर भी आज स्कोर करेगा सारे, क्या ये इनको क्या हुआ? पूरी टीम ने ही ऐसा किया है, अब किस किस का नाम लेंगे हम? बोलने दे, तकलीफ हुआ बेचारे को, बोल। ठीक है, जाहिर सी बात है अगर कैप्टन चला जाता है तो बाकी प्लेयर्स के भी हौसले टूट जाते हैं ना। जी। तो अब क्या आपका क्या आगे प्लान है? आप तो यूरोप से आई हुई थी यहाँ पर, आपको तो कप लेके जाना। नहीं, मेरे घर में जो मेरे दो एम्प्लॉयज हैं, मेरे ऑफिस में घर में जो मेरे लिए काम करते हैं वो श्रीलंका से हैं। मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? मैं ये दिन देखने से पहले राजीव तलवार मर क्यों नहीं जाता है? मैं उनको भी लेकर आई कि पहली बार आप जाओगे मैच देखोगे। मैंने अपने एम्प्लॉयज को टिकट दिखाई कि आप चाहें श्रीलंका के लिए खेलें, टिकट दिलाई उनको। चल झूठा।
और मेरी पूरी फैमिली, मेरे पड़ोस वाले, मेरे दोस्त जितने भी हैं, मैंने सबको स्पॉन्सर किया। तो हम काफ़ी एक्साइटेड थे, लेकिन हार जीते ना, अब क्या कह सकते हैं, आखिर में तकदीर पे इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। मगर मैं देखें ना, आज शादाब चला ना, शादाब ने कैच छोड़े, सीधे कैच थे बिल्कुल हाथ से पकड़ के, अगर वो कैच भी पकड़ लेते हम तो कुछ करीब आ जाते मैच के। तो अब आप ना मुझे मजीद दुखी कर रहे हैं, सारी चीजें याद दिला के। छोटी बच्ची हो क्या, आंसू देख रहे हैं, ये सारे आंसू हैं, ये आप वहाँ, मैंने आपको, हमें पाकिस्तान से प्यार, हमें भी प्यार है उतना ही, हम भी उतने डिसअपॉइंटेड है। अब आवाम को तो पता चलना चाहिए ना, क्योंकि ये इतनी बड़ी टिकटॉकर हैं, बेचारी परेशान है, आंसुओं के साथ रो रही हैं। मगर अब आपको टीम को हमें क्या बकअप करना चाहिए, या इनको क्रिटिसाइज करें, या बाबर को चेंज करें? रोए ना प्लीज, एक मिनट पहले चुप करें। बाबर को हम चेंज नहीं करेंगे, मैं इतना कहूँगी कि हम 100 बार भी आ रहे हैं, हमें तो हमारी टीम से प्यार है ना, हम तो फिर भी मैच देखने आएंगे। लड़कियां लड़के मुंह के ऊपर वो हरा रंग लगा के चले जाते हैं क्रिकेट मैच पे, तालियां बजाते रहते हैं, हार जाते हैं, फिर उसके बाद जवाब क्या, तुम जीतो यो हारो, सुनो सुन लो फिर। खैर नहीं भैया, मैं और नहीं कुछ बोलूंगा, क्योंकि इंडिया वाले मेरी क्लिप वायरल करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि दुश्मन जो है वो हमारी क्लिप लेकर उसको वायरल करे और मेरे मुल्क के लोगों का दिल दुखाए, जो पहले से ही बहुत सख्त दुखा हुआ है। ओहो मैम, आपसे तो बात नहीं हो पा रही, अब मैं क्या आपसे, मैं भी आपके दुख में बराबर का शरीक हूँ, पर आपको मैं पानी दूँ? नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हम हार गए, ओके बाय। हाय हाय, इतना सुकून। जब बात चल रही है पाकिस्तान के मातम की, तो इस मातम के अंदर अगर प्यारी प्यारी पाकिस्तान की लड़कियां शामिल ना हो तो मजा कैसे है फिर। किसकी गलती थी, किसने दुखी किया आपको आज? जाहिर है पाकिस्तान ने किया दुखी। दुख कितने दिन? फर्स्ट टाइम हम इतने शौक से देखने आए हैं, बस बहुत दिल टूट गया। नहीं, आपको उम्मीद थी ये जीत जाएंगे, जो हालात चल रहे थे शुरू से? शुरू में बहुत उम्मीद थी, लेकिन एंड पे सब खराब हो गया। बस अच्छा नहीं खेले, बैटिंग नहीं अच्छी की हमारे पाकिस्तान की तरफ से, बैटिंग में बहुत मिस्टेक्स हैं, बॉलिंग अच्छी है उसमें सही रहते हैं, बैटिंग की मिलनी चाहिए। अब नहीं देखने आएंगे मैं। नहीं, अब नहीं, पहले भी बच्चों के फोर्स करने पे आई हूँ, मुझे यकीन करो। अच्छा खैर, एनीवे छोड़ो, अब इन बातों को भूल जाओ, अभी भूल जाओ, पाकिस्तानी भूलने में बहुत अच्छे हैं। एक हम बिछड़ी मोहब्बत को भूल जाते हैं, उसके बच्चे आके मामू कहते हैं, हम बड़े खुशी से कहते हैं, बेटा क्या है ठीक हो, अबू कैसे, अम्मी कैसी, ठीक है ना, बिल्कुल वही कंडीशन हम लोगों की भी है। क्रिकेट मैच हार गया, उसके कोई नहीं, क्रिकेट श्रीलंका ने बड़ा अच्छा अच्छा गेम खेला, हम मामू हैं, हम ठीक है, मामू बन के ठीक है, बिल्कुल सही है ना। श्रीलंका वाले जीत गए, बोले उन्होंने बड़ा आला गेम पेश किया, अबे तुम लोगों ने बेकार गेम पेश किया, उन्होंने क्या आला गेम पेश किया, उनको तो तुमने टाइम जो है वो सारा काम कर दिया था, मैच तुम्हें प्लेट में मिला पका पकाया, तुम हार के आ गए। श्रीलंका वाले ने गेम बड़ा अच्छा पेश किया, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था, जिसके आखिर में हम हार गए। बिल्कुल जैसे बिछड़ी मोहब्बत होती है ना, यार हमारा तुम्हारा इश्क बड़ा अच्छा था, लेकिन फिर तुमने मामू के बेटे से शादी कर ली और मैं तुम्हारे बच्चों के मामू बन गया। एनीवे मूव फॉरवर्ड, अभी मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं उल्टी सीधी बातें कर दूंगा, इसलिए नहीं 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 नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप लोग भी पीछे नहीं रह सकते, क्योंकि आपके पास में है कलम की ताकत, और कलम की ताकत आप दिखा सकते हैं अपने कमेंट सेक्शन के अंदर, तो वहाँ धड़ाधड़ चौके चक्के मार दीजिए और पाकिस्तानियों को स्टेडियम के बाहर फेंक दीजिए। इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं होती है, सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर लिया करो कभी कभी, कभी कभी। कोई तरीका है भीख मांगने का? आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाते रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। टॉकर थी और बहुत बड़ी तो नहीं, खैर हम कह सकते हैं 2-3 मिलियन इसके फॉलोअर्स हैं ऑन टिकटॉक। और कोई, मैं तो कहती हूँ कि भाई टिकटॉकर्स में सबसे पहले तो मैं ये एक बात कहूंगी, मैं, मेरे को किसी से पर्सनली कोई इश्यू नहीं है, एंड आई एम ऑल्सो नॉट अ टिकटॉकर, ये सो कॉल्ड टिकटॉकर्स मैं नहीं हूँ। मेरे नजर में ये टिकटॉक पर जो लोग
टिकटॉक पे एक्टिंग करते हैं, वो बेसिकली एक्टिंग नहीं करते, वो मजाक बनाते हैं, वो अपना एक होता है ना, वो टैलेंट नहीं दिखा रहे होते बेसिकली, वो अपनी सिर्फ लिप्स हिलाकर दूसरों की जो है वो टैलेंट के ऊपर जो है ना अपना टैलेंट दिखाने की कोशिश करते हैं, एक्चुअली दे आर फेल। अगर एक्टिंग देखनी है, टैलेंट देखना है टिकटॉक पर, तो आपको फॉरेन कंट्रीज में जाना चाहिए, स्पेशली आपको इंडिया में टैलेंट देखना चाहिए। क्या क्लास का टिकटॉक पर टैलेंट लेकर आते हैं ये लोग, भाई क्या क्लास का लेकर आते हैं। मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मैं जब भी मैं यूएई गई हूँ, यूएई में हमें अक्सर दूसरी कंट्रीज के भी टिकटॉक्स देखने को मिल जाते हैं, या स्टार्टिंग में हमने देखे, मतलब फॉरेन कंट्रीज में आपको टैलेंट देखने को मिलता है, उनकी कोई कुकिंग में टैलेंट दिखा रहा है, कोई अपनी डांस में टैलेंट दिखाता है, कोई सिंगिंग में दिखा रहा है, मतलब आप टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर इंसान अपने आप को फेमस कर सकता है, अपने टैलेंट को उजागर कर सकता है जो कि लोगों को नजर नहीं आता, तो यहां से आप अपने आप को टिकटॉक पर फेमस कर सकते हो। फेमस तो नहीं है, आप अपने टैलेंट को आगे दिखा सकते हो, लेकिन आजकल मसला ये हो रहा है कि हमारी जो पब्लिक है वो इन जैसे टिकटॉकर्स को जो है वो मतलब कि उनकी फजूल की एक्टिविटीज को जो है वो लाइक कर देते हैं, तो भाई ये लोग क्या हो गया, टिकटॉकर हो गए, इनको फेम मिल जाता है, तो ये फेम लेकर ये समझते हैं कि वी आर बिग स्टार, एक्चुअली दे आर नथिंग। मेरी नजर में तो ये लोग सो कॉल्ड टिकटॉकर्स हैं, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही इनको रोस्ट कर रही हूँ। वेल, कोई बात नहीं, आज के वीडियो की तरफ आते हैं। तो भाई ये मोहतरमा जो है ये एक्टिंग कर रही थी, और मैं तो कहती हूँ 10 नंबर इसकी एक्टिंग के काट लो, सच बता रही हूँ, फजूल तरीन एक्टिंग की है इसने। और यहाँ पर जिस तरह से ये रो रही है, इसको पता था ना मूवी रिकॉर्डिंग कैमरे चल रहे हैं, और मैं तो वैसे थोड़ी बहुत फेमस हूँ, जब मेरे ऊपर कैमरा आएगा तो लोग बोलेंगे हाँ ये तो रो रही है, ये तो रो रही है, ये तो फेमस है, ये तो रो रही, मतलब इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलेंगी। वेल, ये एक प्रोपेगेंडा होता है, ऐसा भी नहीं है कि अब इस तरह से ही रोना शुरू हो जाए, और इसकी एक्टिंग से ही पता चल रहा है कि ये कितना रो रही है और कितना हंस रही है और इसको कितना दुख हो रहा है। एनीवेज, हमारा क्या भाई, तुम फेक बनाती रहो। ओवरऑल अगर हम वैसे बात करें तो काफी लड़कियां, देखो दूसरी लड़कियां भी थी, वो काफी इनोसेंट सी, उनके आंसर बहुत जबरदस्त थे, और साथ में वो नीलम मुनीर वाला जिसको यहाँ पे बोल था, वो वाले भी मैं देखी, मतलब वो हमारी फेमस एक्ट्रेस है, पाकिस्तान की ड्रामा में ज्यादातर आती है, लेकिन बहुत बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी है, नो डाउट, और नेचर वाइज बहुत अच्छी है। मुझे नहीं पता था कि वो भी गई में देखने, वेल अच्छा लगा उनको देख के ऑन स्क्रीन, और उनके एक्सप्रेशंस भी बहुत अच्छे होते हैं, नेचुरल होते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो दूसरी गर्ल्स के भी काफी अच्छे एक्सप्रेशंस रहे, बाकी प्लेयर्स का तो ठीक है यार, उनकी मिस्टेक्स थी, उन्होंने गलतियां की हैं, लेकिन जो है अगर हम नॉर्मली देखें तो अब वर्ल्ड कप है तो उस पर उनको कंट्रोल तो करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो फिर आगे जाके इनके लिए मुश्किल होगी। और दूसरा जो है वो कह रही है, ये जो टिकटॉकर थी मैडम कह रही थी कि मैं जो हूं ना, मैंने अपने श्रीलंकन जो कलीग्स थे उनको बुलाया, भाई झूठ कितना बोलती हो बीबी, माफ कर दो, तुम माफ कर दो हम लोगों को, मतलब तुम बुला ही ना लो, इन लोगों को स्पॉन्सर ही ना कर दो, तुम सिर्फ 10-20 दरहम का जो है ना खिला ही सकती हो, इसके अलावा ये इतना अफोर्ड नहीं कर सकती। और इसके कुलीग्स भी हैं, खुद जॉब करती है और ये इसके कुलीग्स भी हैं, भाई ठीक है मान लेते हैं तुम सही हो। वैसे मेन भी इसमें अच्छा लगाया था चल ड्यूटी वाला। वेल जो है मेरा इसका पर्सनल कोई ऐसा इशू नहीं है, मैं जानती भी नहीं हूँ पर्सनली, बस टिकटॉक पर ही इनको देखा था, तो काफी इनकी ऑडियंस से ही आइडिया हो गया था कि ऑडियंस की नजर में ये कितनी बड़ी स्टार है। वेल आपको कैसा लगा गाइस, और मेरा रोस्ट करना कैसा लगा, ये एक छोटी सी कोशिश थी रोस्ट करने की, अगर इसमें कुछ हार्श वर्ड यूज हो गए होंगे तो उसके लिए माजरत। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।